हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दो दिन पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने बनाया था कि दो दिन में मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो लकीली आई गॉट माय वीज़ा यस्टरडे एंड टुडे आई एम हियर टू गोना सेलिब्रेट बाय माय सेल्फ। तो ज़्यादा दिन नहीं लगे, 37 डेज में वो मेरे घर पे आ चुका है मेरा वीज़ा। और अब बस मुझे फ्लाइट टिकट निकालना है जो कि मैं कल निकालूंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ सेलिब्रेट करने अपने आप को, इस बड़ी जो है अचीवमेंट समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि नहीं आ रहा, कब आएगा, क्या होगा, कैश लेटर आएगा, ऑफर लेटर आएगा, वही 6-7 महीने उसी उलझ में निकल जाते हैं आपके। तो आज जो है सारे काम डन हो चुके हैं और पासपोर्ट आ चुका है। मैंने उसको अभी ओपन नहीं किया है, उसको ओपन करेंगे आपके साथ में। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर आता है स्टैम्प। तो कल वो रिसीव कर लिया था मेरी मॉम ने, तो मैं अपनी सिटी में आ चुका हूँ। अब उसको ओपन करेंगे, देखते हैं उस पर यूके वीज़ा का स्टैम्प लगा या नहीं लगा। उससे पहले मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में नहाने, इसको नहाना है, वो मेरे साथ आ सकता है। चलो आया जंप करके, बैक फ्लिप मार के। तो फाइनली आ चुका है मेरा पासपोर्ट घर पे, उसको देखना है ओपन करके। मैं लाना भूल गया, वरना यहीं ओपन कर लेते, यहाँ ओपन करते तो और मज़ा आता। तो ये सुकून के पल हैं जो काफ़ी दिनों बाद नसीब हुए हैं। जिन लोगों का वीज़ा नहीं आता या फिर कैश लेटर नहीं आ रहा, मुझे भी पता है कितना बुरा लगता है और टेंशन नहीं रहती साला कब आएगा। अभी सब फ्री है, फन है, मज़े हैं। और ये मेरा भाई है छोटा, कौन देखा, विशाल इसका नाम है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है। होपफुली ये भी यूके आएगा कुछ दिनों में, मैं इसको बुलाऊंगा। दोस्तों फर्स्ट क्लास स्विमिंग करके निकले हैं अभी हम, मैं और मेरा छोटा भाई। अब हम जाएंगे घर और वहाँ जाके ओपन करेंगे अपने वीज़ा को, सॉरी तो पार्सल है उसको, और उसमें लगा होगा शायद वीज़ा स्टैम्प। और अभी मैं हूँ भरतपुर के टॉप जो होटल है, होटल शिव विलास पैलेस। यहाँ पे अच्छा है एकदम फुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो स्विमिंग पूल में फन करने के बाद पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और यहां पे ये ले लिया है मैंने अपना पार्सल जो कि कल रिसीव कर लिया गया था। और चलो करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि स्टैंप लगाया नहीं लगा। ये इस पे टेप लगा हुआ है, इस पे मेरा एड्रेस है और VFS ग्लोबल का एड्रेस है, ज्यादा कुछ नहीं है बस। चलो इसको ओपन करते हैं। तो इसमें से निकालते हैं, ये लेटर है इसमें दो, जो कि यूनाइटेड किंगडम वीजा एंड इमिग्रेशन का लेटर है, इसको बाद में पढ़ेंगे। जो मेन चीज देखने का है वो स्टाम्प देखते हैं। तो ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया मेरा पासपोर्ट, ये रहा मेरा फर्स्ट पेज जो कि ब्लैंक है, और दूसरे पेज पर स्टैंप लग चुका है दोस्तों। हाँ, इस पे लिखा हुआ है मेरा जो है कोड, और मेरा फोटो भी है इस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। ओके ये देखिए, देख गया क्या। ओके तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्टूडेंट वर्क लिमिट 20 आवर पर वीक, टर्म टाइम कुछ कोड सा है, नो पब्लिक फंड्स। नो पब्लिक फंड्स का मतलब है कि मैं यूके के पब्लिक फंड्स को यूज नहीं कर सकता। और इसमें कुमार दुष्यंत एंट्री क्लियरेंस, इसका टाइम है दोस्तों 8th ऑफ जुलाई 2022 से
6th of October 2020, ये 3 महीने के लिए वैलिड है दोस्तों। इसके बाद वहां जाके मुझे BRP कार्ड कलेक्ट करना होगा। और इस लेटर में पढ़ते हैं क्या लिखा है। यू मस्ट प्रेजेंट दिस लेटर टू इमिग्रेशन ऑफिसर अपॉन अराइवल इन द UK। तो इम्पोर्टेंट है ये, वहां दिखाना पड़ेगा मुझे, खोना नहीं है। वॉट दिस मीन्स फॉर यू, तो इस लेटर का क्या मीन है वो पढ़ते हैं। योर पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट कंटेन अ विग्नेटे वीजा स्टीकर विच यू विल यूज टू ट्रेवल टू द UK। द विग्नेटे इज वैलिड फॉर 90 days। इफ यू डू नॉट अराइव इन द UK विद इन दिस 90 days पीरियड, यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अ विग्नेटे ट्रांसफर। तो मैं 90 दिन के अंदर अगर UK में नहीं पहुंचा तो मुझे इस जो वीजा स्टैंप लगा हुआ है, जो विग्नेटे आया है, उसको दोबारा से लगवाना पड़ेगा, ठीक है। वॉट यू मस्ट डू आफ्टर अराइवल इन द UK, मुझे UK पहुंचने के बाद क्या करना है। डिटेल्स ऑफ योर परमिशन विल बी ऑन योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। तो BRP कार्ड, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जो मुझे जाके कलेक्ट करना है, यू मस्ट कलेक्ट योर BRP फ्रॉम फॉलोइंग कलेक्शन पॉइंट बिफोर यू विग्नेटे एक्सपायर विद इन 10 days। तो 10 दिन में जाके मुझे वो कलेक्ट करना रहेगा। उसके लिए इन्होंने मुझे एड्रेस दिया हुआ है जो पोस्ट ऑफिस है वहां का, और इसमें COVID-19 के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। वी रिकमेंड दैट यू फॉलो द COVID-19 इमिग्रेशन एंड BRP एडवाइस ऑन UK गवर्नमेंट। तो वैसे अभी कोविड वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं इजीली क्योंकि वैक्सीनेशन लिया हुआ है। और जिन लोगों ने अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया है, सर्टिफिकेट है, उसमें वो अपना पासपोर्ट नंबर डाल के उसको अपग्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को नहीं आता कि अपने जो सर्टिफिकेट को पासपोर्ट नंबर के साथ कैसे अटैच करें कोविड सर्टिफिकेट को, तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत लोगों का बनाया है सर्टिफिकेट, यही काम किया है मैंने कोविड में सर्टिफिकेट बनाने का। इसके बाद दोस्तों BRP कार्ड कलेक्ट करने के बाद इसमें लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट, ये सब हाईलाइट है, मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा लेटर। Please note that this letter is not evidence of permission to enter or stay in the UK or the condition that could be attached to such permission. So, क्या क्या permission है? That letter is not evidence of any permission you might have to work. इस letter के behalf पे मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। A right to rent, मैं rent नहीं ले सकता वहाँ पे, कोई भी rent का house नहीं ले सकता। To claim public funds in the UK, मैं UK का public fund भी वहाँ पे claim नहीं कर सकता on behalf of this letter. तो मुझे क्या करना रहेगा, योर BRP इज एविडेंस ऑफ योर परमिशन, मुझे BRP कार्ड लेना पड़ेगा वहां जाके जो कि एड्रेस इसमें मेंशन है, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ पुलिस रजिस्ट्रेशन एंड ए कंडीशन अटैच्ड टू इट। पुलिस रजिस्ट्रेशन भी वहां पे हो सकता है वहां जाके। ओके दोस्तों, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्लाइट टिकट। उससे पहले मैं जाऊंगा अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा, क्या पता वहां ड्राइव करने का मौका मिले, फोर व्हीलर चलाऊंगा, मस्टैंग वगैरह और मर्सिडीज भी, मजाक कर रहा हूँ, ड्रीम तो बड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक चीज और, PCC सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना है मुझे। तो फाइनली अ बिग गुड न्यूज फॉर मी विच इज माय स्टैंप, UK स्टैंप, सो वी कैन ट्रेवल। इसके बाद मुझे ये जो खाली पेज है इनको भी भरना है। तो जिन लोगों का पासपोर्ट और ऑलरेडी है VFS ग्लोबल में जमा, तो उनका टाइम लग रहा है तो वेट कीजिए। टूरिस्ट वीजा के लिए विद इन 6 months, वर्क वीजा के लिए, सॉरी टूरिस्ट वीजा के लिए 6 weeks, वर्क वीजा के लिए 12 weeks टाइम है। ओके, तो हेक्टिक ना हो, वेट कीजिए, सबर कीजिए, नहीं आ रहा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं VFS ग्लोबल का URL डाल के दे दूंगा, वहां पे जाइए आप, कॉन्टेक्ट कीजिए उनको, ईमेल कीजिए उनसे, बात कीजिए, और तब तक के लिए आप मेरे टच में रहना। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, अपना जो है पासपोर्ट नंबर किसी को ना बताएं, बहुत मुझे आया था कि दोस्त आप मेरे बिहाफ पे बात कर सकते हैं क्या UK इमिग्रेशन में, ऐसा नहीं, किसी को भी पासपोर्ट नंबर ना बताएं, कोई मिसयूज कर सकता है उसका, केयरफुल रहें और अपने जो है ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कोई भी डाउट क्वेरी हो, अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
हाँ मेरे दोस्त है तो मिलिए, इसका नाम है माइक, ये बहुत ही अग्रेसिव है, मेरी तरफ मत देखो, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। माइक है इसका नाम, ये बहुत ही हैंडसम है मेरी तरफ। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।